छिंदवाड़ा जिले में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। ऐसे में कंपनी द्वारा सर्वे पूरा हुए बिना एवं जमीन का अधिग्रहण हुए बिना ही मुआवजे का कोई मापदंड भी तय नहीं किया गया है। इसके बाद भी खड़ी फसलों के बीच से पाइप बिछाना शुरू कर दिया गया है। कंपनी की इस मनमानी से ग्रामीण अंचल के किसानों में खासा आक्रोश गहरा रहा है। दरअसल बरली ऊर्जा रासायनिक संसाधन परियोजना का नाम नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर पाइपलाइन NCJPL MNJPL परियोजना का भाग सी अनुभाग 2 ग्राहक गेल इंडिया लिमिटेड PMC बर्ली सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विक्रेता लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वेंडर स्कोप स्टील गैस पाइपलाइन और टर्मिनलों का निर्माण और POFOA गेल नोएडा CNDP PROJ MNJPL पारलिंग गेल इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइन नागपुर से छिंदवाड़ा जिले के सौसर बिछुआ मोखेड़ा छिंदवाड़ा एवं चोरई से होकर जाना है। वर्तमान में बिछुआ एवं मोहखेड़ तहसील में कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें किसानों की 20 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहित की गई है। साथ ही जमीन पर लगी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 2 माह से कार्य शुरू होने के बाद भी किसानों को उनकी फसल एवं जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे ठेकेदार किसानों को डरा धमका कर पाइपलाइन बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तहसील एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कोई भी पहल नहीं कर रहे हैं, जिससे जिले के किसान स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। काम शुरू होने के बाद भी उन्हें अभी तक ना तो मुआवजा मिला है, ना ही नुकसान की भरपाई की गई। तो इसका मुआवजा मिला क्या आपको? पाइपलाइन जो आपके खेत में बिछी है, तो ये पाइपलाइन बिछाए तो आपकी खेत की फसल भी चौपट हो गई होगी, पूरी बर्बाद हो गई। तो उसका मुआवजा या भरपाई हुई क्या ठेकेदार द्वारा? तो ये गैस की पाइपलाइन है क्या? तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है पाइपलाइन? तो कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कुछ कहा होगा ना कि आपको मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा? मिलेगा बोल रहे थे। बिछा के गए वो, तो यहाँ मुक नहीं। तो आप क्या चाह रहे हैं? आपके जो फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए ना। और क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? हाँ? सरकार से क्या चाह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक आपको मुआवजा मिले और आपकी जो फसल नष्ट हुई है उसकी भरपाई हो। रोक लगा रहा तो नहीं बोले, ये गैस पाइप का है बोल दीजिए। तो कितने महीने हो गए आपके खेत में डली है बीचे? 3 महीने हो गया जी। तो आपका इसका मुआवजा मिला क्या? नहीं, कोई भरपाई कुछ नहीं मिला। अधिकारियों ने क्या बोला आपको? मिलेंगे बोले। कब तक मिलेगा? मिलेगा फिर बोला था बोलने, लेकिन अभी तक नहीं बोल रहा है, आया भी नहीं ना। तो आपसे कोई कागजात ले गए क्या? नहीं लेके गया, पूछे भी नहीं। हाँ, और इधर सामने वाले से ले लिया बोलते, और इधर भी ले लिया बोलते। तो आपसे क्यों नहीं ले गया कागजात? हम रह गया ना जी, बहुत जान रह गया यहाँ से ये इधर। तो आपके कितने एकड़ में ये पाइपलाइन बिछी है? ये 6 एकड़ में। 6 एकड़ में। हाँ। इसका मुआवजा कितना मिलेगा? पता नहीं जी, सब फसल के ऊपर है बोलते। कौन सी कंपनी करवा रही है? पता नहीं साहब, इतने कम से कम। कहाँ की कंपनी है? बाहर की है क्या? हाँ, ठेकेदार के माध्यम से। चोरई से चंचलेश इंदोरकर की रिपोर्ट।